So hello guys and welcome back to my channel Himalayan Devale. I'm Rahul and once again I'm here to explore one another temple. And this time we are going to explore Radha Krishna temple situated in the middle of the city Shimla, and that is in Ganj Bazar. So we are here right now. As you can see the temple behind me is Radha Krishna Mandir. So चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है. सो ये देखिए लोअर बाजार से इस तरह से व्यू दिखता है. और ये 1900 के टाइम का जो है फोटो यहाँ पे आपको देखा था जो मंदिर के अंदर लगा हुआ है. एंड दिस इज द मेन गेट ऑफ द टेम्पल. बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है. और ये गेट के दोनों तरफ यहाँ पे गौ माता की मूर्ति बनी हुई है. और ये कान्हा की एक छोटी सी मूर्ति यहाँ पे, बहुत ही सुंदर मूर्ति देखने को मिल रही है. और ये कुछ कलाकृतियाँ महाभारत काल से बनी हुई है, जैसे सुदामा और कृष्ण की कलाकृति और गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण. महाभारत युद्ध को यहाँ पे दिखाया गया है. इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव की बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ पे बनी हुई है. और रासलीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे दिखाए गए हैं गोपियों के साथ. ये देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ. कालिया नाग का दमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे दिखाई गई हैं. ये देखिए ओखल से यहाँ पे बांधा गया है इन्हें, ये भी महाभारत में कथा आती है. और यहाँ पे माखन चोर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है. और यहाँ पे वासुदेव जी भी भगवान श्री कृष्ण को जमुना पार करवा रहे हैं. और ये बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे मंदिर की सजावट की गई है. ये देखिए हर तरफ भगवान श्री कृष्ण के फोटोज लगे हुए हैं. और आप स्क्रीन पे भी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे देख सकते हैं. चारों तरफ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है. और मंदिर के गेट पे भी बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई है. देखिए आप देख सकते हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हैं. सब चलते हैं मंदिर के अंदर. और जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर होते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे बाबा बालकनाथ का छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा. ये देखिए पौनाहारी यहाँ पे विराजमान है. और बाबा बालकनाथ के बाद यहाँ पे राम परिवार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी हैं. बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे. और राम परिवार के बाद यहाँ पे हनुमान जी की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं. दो मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ. और ये हनुमान जी के रूप में यहाँ पे कलाकार जो झांकियाँ निकाल रहे हैं. सो हनुमान जी के मंदिर के बाद यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर आता है जो मेन मंदिर है. और इसके अंदर जो मूर्तियाँ स्थापित है यही वो मूर्तियाँ हैं जो 133 वर्ष पहले यहाँ पे स्थापित की गई थी. ये देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं. और इनके साथ में बहुत सी छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे और हैं. सुदामा जी भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ, इन मूर्तियों के दोनों तरफ यहाँ पे छोटी छोटी और बहुत सारी प्रतिमाएं हैं. बहुत ही सुंदर. और इसके बाद यहाँ पे माता का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है. बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे माता रानी की भी है. और यहाँ से कुछ आगे जाते हैं आपको भगवान जगन्नाथ मिलेंगे, जो यहाँ पे अपनी बहन सुभद्रा और दाऊ के साथ विराजमान है. और यहाँ पे देखिए एक पालना लगा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर. ये देखिए बहुत ही सुंदर. और सबसे अंत में यहाँ पे महादेव आपको देखने को मिलेंगे. महादेव का मंदिर है, नंदी जी विराजमान है साथ में शिवलिंग. देवों के देव महादेव, यही अंत है यही आरंभ है. महादेव के रूप में कलाकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर झांकियाँ इन्होंने निकाली है. और माता काली और महाकाल के रूप में, महाकाली और महाकाल का बहुत ही सुंदर अभिनय और बहुत ही सुंदर झांकियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं. और इसके बाद ये देखिए मंदिर की बालकनी है. इसके बाद हम पंडित जी से बातचीत करेंगे और मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. सो वी हैव द प्रीस्ट ऑफ द टेंपल पंडित उमेश नोटियाल जी विद अस. सो वी विल ट्राई टू गैदर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेंपल एंड द प्लेस फ्रॉम हिम. सो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. राधे राधे. राधे राधे पंडित जी. सो पंडित जी हम जानना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर है, ये कितना प्राचीन है और कब यहाँ पे बना था? वैसे तो मंदिर को हो गए कम से कम 140 साल इसको नींव रखे हुए, लेकिन जो अंदर आप जो श्री विग्रह देख रहे हैं राधा कृष्ण की मूर्ति का, उस मूर्ति को बने कम से कम 133 साल हो गए हैं.
मतलब लगभग 133 सालों से ये मूर्ति यहीं पे विराजमान है। कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी? 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 साल जो इस मंदिर के निर्माण में लगे थे और उसके बाद 7 सालों के बाद यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई थी। यहाँ पे पूरा बुकलेट है, उसमें लिखा हुआ है और सामने आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 82 लिखा हुआ है, उस चांदी के वर्क में भी। तो 82 में हुआ था मंदिर का निर्माण, प्रारंभ हो चुका था, और 89 में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति का श्री विग्रह जो आया था वो 89 में आया था। इसको 133 साल जो है इस मंदिर को पूरे हो रहे हैं। 133 साल पूरे होने के अवसर पर यहाँ पे जो नंदोत्सव का प्रोग्राम किया जा रहा है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? भव्य होता है और उस प्रोग्राम में भगवान राधा कृष्ण की भव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं। राधा कृष्ण का मंदिर आप देख भी रहे होंगे कि भव्य तरह से सजाया जाता है और उसमें भगवान का जो यहाँ पे जो मंदिर में जो भगवान का रूप है वो बाल रूप है, तो बाल रूप में यहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है और सभा के द्वारा यहाँ पे पूरा जो इंतजाम बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। पूरे देश भर से बहुत अच्छे भजनोपदेशक आपकी कथावाचक आकर के भगवान की चरित्रों का गान करते हैं। भगवान का जब जन्मोत्सव होता है उसमें नंदोत्सव मनाया जाता है, विशाल भंडारी का आयोजन होता है, वो इस बार 21 तारीख को है। सो जैसे कि यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, जिस तरह से उनका जन्म हुआ था, किस तरह के कारागार में चमत्कार देखे गए थे उनके जन्म के वक्त, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं वो, और उनका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो आपकी गीता में भी आता है, यदा यदा ही धर्मस्य कला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने आतातायों को मारने के लिए ही क्या क्या था, इस कंसन रूपी जो राक्षस था जो संतों को भी ब्राह्मणों को भी परेशान करता था, जो उसके अनुसार नहीं कार्य करते थे उनको भी दंड देता था, उन ऐसे आतातायों को दंड देने के लिए भगवान ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में भगवान ने जन्म लिया और माघ के महीने में उन्होंने कंस का वध किया था शुक्ल पक्ष में। जब भगवान का जन्म हुआ तो कंस ने बहुत सारी वहाँ पे पैरेधार और लोहे की झंझीरें बांधी हुई थी, लेकिन जैसे ही भगवान का जन्म हुआ था तो वो सब चीज़ें खुल जाती हैं, दरवाजे बेड़ियाँ खुल जाते हैं देव की और वसुदेव की भी, और भगवान कहते हैं कि मुझे यहाँ से गोकुल ले जाओ, वहाँ पे नंद बाबा के यहाँ पे एक कन्या का जन्म हो रखा है उसको वापस ले आओ, मुझे वहाँ छोड़ दो। जैसे ही गोकुल में जाते हैं और वहाँ से उस कन्या को लाते हैं तो वापस आकर के जैसे ही कंस को पता चल रहा है कि देवकी के गर्भ से पुत्र का नहीं बल्कि कन्या का जन्म हुआ है, तो बाहर आ करके उसे एक पत्थर पर पटकने की कोशिश करता है, कन्या हाथ से छूट जाती है। वो योग माया थी भगवान की ही, वो वहाँ से बोलती है कि दुष्ट मुझे मार के तुझे कोई कुछ नहीं मिलेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। तो तब कंस ने बहुत ऐसे यत्न किए मारने के, लेकिन भगवान को वो कुछ बाल बांका नहीं कर पाया। और एक समय ऐसा है कि भगवान गोकुल से जब मथुरा आए और मथुरा में आकर के कंस का वध किया और अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर के भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएँ खेली, राधा रानी के संग और गोपियों के संग रास लीला खेली, और साथ में भगवान ने अपने उस कृष्णावतार में महाभारत जैसे युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जो ये संदेश देता है कि कर्मणि बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतु भूत होती संगत कर्मणि, कर्म करते रहे फल की इच्छा मत किए और कर्म भी अच्छे हो तो भगवान स्वतः ही हमारी रक्षा करते हैं। जन्माष्टमी पर यही संदेश है कि भगवान सबके जीवन में प्रसन्नता लाई, खुशियाँ लाई, और जिनकी जो इच्छाएं हैं जो मानसिक संकल्प है इस जन्माष्टमी में वो जरूर पूरे हो, ऐसे भगवान राधा कृष्ण से हमारी प्रार्थना भी है और भगवान से विनती भी है कि सबके मनोकामनाएँ पूर्ण करें, सबके दुखों को दूर करें। सो जो भी दर्शक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे यहाँ पे बहुत उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पे झूला भी लगाया, इसमें झूला भी झुलाया जाता है और आरती पूजा पाठ जो भी होता है वो किस तरह से किया जाएगा भी हम पंडित जी से जानना चाहेंगे। बाकी तो यहाँ पे पूरा रात कम से कम 1-2 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, तो उसमें बड़े उत्साह से ये कार्यक्रम किया जाएगा। सो जिस वक्त 12 बजे का जो समय होता है उस वक्त यहाँ पे क्या किया जाता है? भगवान का जन्म की कथा सुनाई जाती है, भगवान की जन्म की कथा सुनाई जाएगी, कीर्तन, और फिर काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, उनके साथ गीत संगीत होता है और भगवान के जन्म के भजनों को यहाँ पे बड़े धूमधाम से गा करके लोग झूमते हैं, नाचते गाते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसके बाद मध्यरात्रि जैसे ही संपन्न होती है भगवान का चरणामृत और प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है।
सो जैसे ही भगवान का यहाँ पे जन्म होगा, सो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे उसे मनाया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। सो पंडित जी, हम जानना चाहेंगे जो यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति बनी हुई है और उनके साथ जो मूर्तियाँ हैं, किन किन की मूर्तियाँ हैं और कौन सी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है? ये जो पहले नंबर पे ये भगवान जगन्नाथ जी हैं, जो काले रंग की मूर्ति है, और बीच में उनकी बहन सुभद्रा मैया हैं, और उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी, बलभद्र भी बोलते हैं, दाऊ जी भी बोलते हैं इनको। इनका जो मुख्य मंदिर है वो आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में उड़ीसा में है, और वो बहुत ही भव्य मंदिर है भगवान का। ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता जो भगवान जगन्नाथ है, जो यहाँ पे पहली मूर्ति है भगवान जगन्नाथ की काले रंग में, उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा, उनके साथ दाऊ जी यहाँ पे हैं। सो ये जो मूर्तियाँ यहाँ पे, कब इनकी स्थापना हुई थी? इनकी मूर्तियों को कम से कम यहाँ पे 20-22 साल हो गए। सो ये किस चीज़ की मूर्तियाँ बनी, क्या लकड़ी की हैं या मिट्टी की? लकड़ी जी। सो जो जगन्नाथ का जो मंदिर है, जो ओरिजिनल मंदिर है, वहाँ पे भी क्या लकड़ी की मूर्ति है? बिल्कुल वहीं से आई हुई है। ये भी जगन्नाथ जहाँ पे मंदिर है वहीं से इनकी बनाकर वहाँ करके यहाँ पे प्रतिष्ठा की, स्थापना की, और तब जा करके यहाँ पे इनको, यहाँ पे रोज इनकी आरती पूजा होती है नियमित रूप से। सो जो यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है उसमें भी इन्हीं मूर्तियों को लेके जाया जाता है? जी जी, इन्हीं को रखा जाता है उसमें भी। सो ये यहाँ पे जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, पूरे बाजार में ये यात्रा निकाली जाती है और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके वापस मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ इसे वापस लाया जाता है। कंप्लीट करने के बाद वापिस इन मूर्तियों को इन्हीं के स्थान पर स्थापित किया जाता है, और हर साल इसी तरह से इन मूर्तियों को यहाँ से निकाल के एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और वापिस इनको दोबारा लाकर यहीं पे इसी जगह पे स्थापित किया जाता है। सभी पंडित जी इनकी पुनः स्थापना कर रहे हैं, रथ यात्रा निकालने के बाद इनको वापिस इन्हीं के स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हर साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। आज भी जन्माष्टमी है और देखिए श्रद्धालु जो है बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, 12 बजे का समय करीब आता रहता है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे बढ़ती रहती है। अब देख सकते हैं किस तरह से एक लंबी कतार लगी हुई है और बहुत सारे श्रद्धालु जो यहाँ पे भगवान के भजन कीर्तन में जुटे हुए हैं, और बहुत सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पे कतार में भी खड़े हुए हैं जो अंदर आके भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि ये शिमला का बहुत ही प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर है, 133 वर्ष ही इसको पूरे हो चुके हैं, सो इसलिए श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। सो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अपने अपने घर से लोग बाल गोपाल को ला के यहाँ पे मंदिर में रखते हैं और उसको पूजा अर्चना के बाद यहाँ से वापस अपने घर ले जाया जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये कतार भी बढ़ती जाएगी, और ये पूरा प्रांगण 12 बजने तक जो है लोगों से भर चुका होगा। यहाँ पे खड़े रहने तक की जगह नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं भगवान के दर्शनों के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। सो भजन कीर्तन यहाँ पे शुरू हो चुका है, श्रद्धालु गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सो हर एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। भगवान कृष्ण का जन्म भी दिखाया जाएगा। बहुत ही भव्य यहाँ पे सजावट की गई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ
ही सुंदर माहौल है और श्रद्धालु यहाँ पे नाच गा रहे हैं, पूरी तरह से झूम रहे हैं और भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। भगवान को झूला भी झुलाया जा रहा है बाल गोपाल को, ये देखिए। सो एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भजन कीर्तन यहाँ पे चल रहा है और किस तरह से जो है श्रद्धालु इसका आनंद उठा रहे हैं। सो फाइनली द काउंटडाउन्स बिगिन और बहुत ही जल्दी यहाँ पे कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा, कुछ ही सेकंड्स की बात है और फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। सो चलिए मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। Thank you.
आप सभी को प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसा उत्सव यहाँ आज हुआ है ऐसा ही उत्सव कल भी होगा। और कल क्या, हम तो कहते हैं जब तक आप सब सुनेंगे तब तक योग्य होगा।